विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में लोगों को मोहने के लिए सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास कर रही है और उद्घाटन कर रही है। इस बीच बता दें कि आज का ये खबर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस खबर में हम आपको बिहार में बन रहे ऐसे 5 जगहों और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो जल्द से जल्द लोगों के बीच लाने के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश कहीं ना कहीं जरूर की जा रही है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राम मंदिर का। जी हाँ, विराट रामायण मंदिर। नाम सुनकर ही आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में, यानी कि कुछ लोग इसे आम भाषा में काठवलिया कहते हैं, वहां बनकर तैयार हो रहा है। यह मंदिर अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर से 5 गुना बड़ा और इसका नाम विराट मंदिर इसलिए रखा गया है। यह स्थल पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और 60 किलोमीटर वैशाली से दूर पड़ता है। वहीं इस मंदिर के निर्माण कार्य की अगर बात करें तो इसमें कुल लागत 500 करोड़ बताई जा रही है। वहीं अब इस लिस्ट में दूसरी नाम की अगर बात कर लिए तो इसमें बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से गाया घाट जाने वाले लोगों को अक्सर जाम से जूझना पड़ता है। वहीं अब इस लिस्ट में दूसरा नाम हम आपको बता दें कि डबल डेकर फ्लाईओवर का सामने आ रहा है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से गाया घाट जाने वाले लोगों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ सकता है, तो इसी के निजात के लिए और लोगों की सुविधा के लिए बिहार सरकार की ओर से साल 2021 में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया था। इसका काम अब तेजी से चल रहा है, लगभग 50% काम पूरा हो गया है। अनुमान है कि 2025 तक काम पूरा कर लिया जाएगा और विधानसभा के चुनाव से पहले ही इसे शुरू कर देने की कवायद लगाई जा रही है। वहीं अब तीसरे नाम के बारे में भी आप जान लीजिए। ज्ञान की भूमि रही बिहार अपने पुराने गौरव को पाने की कोशिश में जुटी है। पटना के राजेंद्र नगर में साइंस सिटी जुलाई तक बनाकर तैयार कर लिए जाने की बात सामने आ रही थी, पर किसी कारणवश अब ये आगे बढ़ गया है और विधानसभा के चुनाव तक या फिर उसके बाद पटना के राजेंद्र नगर में बन रहे साइंस सिटी का निर्माण हो जाएगा। मोनियुल हक स्टेडियम के पास इसे बनाया जा रहा है। मिसाइल मैन और भारत के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस साइंस सिटी का नाम रखा जाएगा। लगभग 400 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। वहीं इस भवन में क्या क्या खास होने वाला है ये भी जान लीजिए। इसमें एक बड़ा सा ऑडिटोरियम होने वाला है, गैलरियां होंगी और ओरिएंटेशन हॉल के साथ साथ सहायक ढांचों में सिविल वर्क भी पूरा जरूर करने की बात सामने आ रही है। सज्जा का काम जोरों पर चल रहा है और अगले कुछ महीने में ही इसे पूरे करने की उम्मीद बताई जा रही है। इस लिस्ट में चौथा नाम पटना के एयरपोर्ट का आ रहा है। बिहार में हवाई यात्रियों के लिए ये काफी अच्छी खबर है। इस साल या फिर विधानसभा चुनाव से पहले ही जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई क्षमता और विश्व स्तरीय सुविधाएं वाली नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेजी से हो रहा है। इसे इसी साल दिसंबर में शुरू कर देने की बात सामने आ रही है। खास बात तो ये है कि नए टर्मिनल बिल्डिंग में खास स्ट्रक्चर, एरोब्रिज और लोगों की सुविधा के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग की अगर बात कर ले तो अंदरूनी सजावट बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाती नजर आएगी। बिल्डिंग के डिजाइन में नालंदा विश्वविद्यालय की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। वहीं अब अंत में सालों से पड़ा काम यानी कि पटना मेट्रो। जी हाँ, पटना मेट्रो भी अब जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के निवासी होने के नाते जल्द ही आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि शहर में इसी साल अंत तक पहले फेज का यानी कि पहले मेट्रो सेवा लाइन को शुरू करने की बात सामने आ रही है। हालांकि काम में थोड़ी देरी जरूर हो रही है, पर विधानसभा चुनाव तक ये बनकर तैयार हो जाएगा ऐसी बात सामने आ रही है। इसका पहला रूट अगर हम आपको बताएं तो बैरिया बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक एक ऊंचे ट्रैक पर 6.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिससे हजारों निवासियों के लिए आने जाने की समस्या कम हो जाएगी। इस कॉरिडोर के साथ स्टेशन का निर्माण वर्तमान में चल रहा है।
जिसमें पिलरों को लगाने के काम काफी महत्वपूर्ण प्रगति से आगे बढ़ रहे हैं। शहरी विकास मंत्री द्वारा भी आए दिन इसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात सामने आती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसे साल 2025 के अंत तक शुरू करने की बात की जा रही है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले इसे शुरू जरूर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो पांच जगह हैं, पांच प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार तेजी से करा रही है, कहीं ये लुभाने की कोशिश तो नहीं है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।